get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closes, starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हो. तो थोड़ा मुझे देखकर आप लोगों को भी फील हो गया कि मैं बहुत लेजी फील कर रही हूँ. यस, आज मैं बहुत एक्सट्रीमली लेजी फील कर रही हूँ. सो उसे लग रही थी मेहंदी, तो उसने हाथ में, पैर में, हाथ में, मैंने सोचा था हाथ में ही लगाऊंगी, बट उसने बोला पैर में भी लगाओ. तो मैंने हाथ और पैर में उसके मेहंदी लगाई है, मीन्स दोनों हाथ दोनों पैर में. तुरंत ही उसने हाथ वाला धुलवा दिया. पैर वाले के लिए मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि प्लीज़ पैर वाला थोड़ी देर रख लो, तो थोड़ा डार्क कलर आएगा. खैर वो क्या समझेगी, बट पैर उसने रख लिया. पैर का, हाथ का भी उसने आई थिंक आधे घंटे रखा है, क्योंकि मैंने उसे कार्टून चलाकर पिलो वगैरह दे दिया था हाथ के नीचे. तो आई विश की कलर आ जाएगा, अभी तो ऑरेंजिश है. इट्स अगेन अ नीड. आप देख सकते हो लाइट मैंने ऑन नहीं किया हुआ, इस वजह से अंधेरा है और इस वजह से थोड़ा सा हेजी आ रहा है सब कुछ. तो इट्स अगेन अ नीड. मेरा आईब्रो जंगली हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको मेहंदी लगाने की क्लिप मैंने दिखाई दी है, तो अब मैं अपने आईब्रोज भी सही कर लेती हूँ. और अगर आप ब्रीफ में देखना चाहते हो कि घर पे यानी कि लॉकडाउन में आईब्रोज कैसे सेट करें, कैसे शेप करें, वीडियो बन रखा है आईब्रोज एट होम का. काफ़ी पहले आई थिंक जब लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था तभी मैंने बनाया था, यानी कि मार्च का ही वो वीडियो है. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ये जस्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आज फिर से मुझे नीड हो रहा है. बीच में थोड़ा सा शेप किया था मैंने, बट अब बहुत ही मामला बहुत ही सीरियस हो चुका है. लुक ऐसा लग रहा है जैसे कभी आईब्रो बनवाती ही नहीं, और मैं लेटी हुई थी इस वजह से मेरा फेस भी अजीब सा हो रहा है. तो थोड़ा सा जोश लेकर आते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. सो मैंने अपना आईब्रो कंप्लीट कर लिया, और आप सोच रहे होंगे कि गई थी ये आईब्रो बनाने और ये बिल्कुल रेडी होकर आ गई. तो मैं एक मेकअप से रिलेटेड वीडियो शूट कर रही थी. तो चलिए एक अच्छी सी चाय बनाते हैं और मैं चेंज कर लेती हूँ. पूरा छत क्लीन हो चुका है, मीन्स विशाल ने किया है. लाइक वो थोड़ा सा कचरा था, तो मैं पहुंची तो विशाल कर रहे थे, तो मैंने बोला लाओ, मतलब मैंने नहीं बोला, फिर ये बोलेंगे कि मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला कि थोड़ा सा उठा दो मैं चाय पी लेता हूँ. तो वो मैं बस थोड़ा सा उठा रही थी, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं किया है. ये सारा कुछ विशाल ने क्लीन कर दिया और छत अब बहुत सही लग रहा है. वो जो बोर्ड आप देख रहे हो वो भी हट जाएगा, तो और ज़्यादा अच्छा छत का सॉरी रोड का व्यू आएगा. और बस अब ये थोड़ा सा बच गया है ईंट वगैरह, तो इससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना बड़ा स्पेस हो चुका है. अब गमला वगैरह जो घर के अंदर आप देख रहे हो वो अब ऊपर आ जाएगा. दो तो मिर्ची के पौधे ऊपर ला चुकी हूँ, बाकी चीज़ें भी आ जाएगी. बहुत ज़्यादा गमला नहीं है, 5-6 गमले ही हैं. तो अब मैं और अच्छे से प्लांटिंग कर दूँगी क्योंकि छत हो चुका है क्लीन. अब बचा है कचरा सारा उधर उस साइड में. अब ये सारा कचरा बचा है जो कि दूसरी तरफ है, और ये पोर्शन पूरा क्लीन हो चुका है. तो इतना ही इनफ है बाबू के खेलने और हमारे बैठ के चाय पीने के लिए. तो चलिए मैं भी चाय पी लेती हूँ. मैं चाय बिल्कुल गर्म नहीं पीती.
तो मैं थोड़ा सा चाय ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है क्योंकि मैंने हेयर रिमूव किया है, इस वजह से और ज़्यादा मुझे स्वेट आ रहा है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। चाय मैं बहुत गर्म नहीं पीती, थोड़ा सा ठंडा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के बाद पीती हूँ। तो चलिए मैं भी अपना चाय पी लेती हूँ। विशाल गर्म पीते हैं तो वो पी चुके हैं। तो ये अपडेट था छत का, छत हो चुका है क्लीन। बज चुके हैं 9 और हो चुका है डिनर का टाइम। मैं एक्चुअली एडिटिंग पे बैठ गई थी बट स्टिल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने सोचा था 8 बजे तक अपलोड करने का, तो अपलोड नहीं हो पाया। अब कल अपलोड करूँगी, तो कल एक वीडियो और ब्लॉग दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉग भी मैं एंड कर दूँगी डिनर वगैरह करके। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। हम लोगों का आज मन हो रहा था, बहुत दिन हो गया आलू का पराठा खाए हुए। तो मैंने आटा लगा दिया है, आलू वगैरह भुन लिया है, तैयार कर दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो यही है, 9 बज चुके हैं एडिटिंग पे। मैं बहुत जल्दी कर रही थी 8 बजे अपलोड करने के लिए, बट चीज़ें मिस हो जाती फिर, और थंबनेल वगैरह भी रेडी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब कल ही अपलोड करूँगी, तो ये ब्लॉग भी एंड कर दूँगी, तो इसे भी मैं एडिटिंग करूँगी खाने के बाद। तो आज मेरा सोने का प्लान लेट से है, क्योंकि मुझे दोनों वीडियो कल के लिए रेडी रखना है। तो चलिए डिनर बना लेते हैं। आलू ठंडा हो चुका होगा, और मेकअप मेरा अभी भी ऑन है। लाइक इस वीडियो को मैंने 5 बजे शूट किया था, बट अभी तक मेरा मेकअप ऑन है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला रिमूव करने का। मैं छत से आई और एडिटिंग करने लग गई ताकि 8 बजे अपलोड कर दूँ, बट छत से आने में लेट हो चुका था तो अपलोड तो नहीं हो पाया। तो ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। तो कल दोनों वीडियो डालूंगी, और अभी दोनों को मतलब 100% रेडी कर दूंगी कल के लिए खाने वाने के बाद। तो मेरा आज लंबा वहाँ बैठना है। तो चलिए डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं और खा लेते हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है, और खाना वाना खाते खाते 10 बज चुके हैं। मैं अपने एडिटिंग को वापस से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एनी हाउ दोनों वीडियोस फिनिश करना है। तो बाबू खेल रही है और रूम बिल्कुल मैसी किया हुआ है इसने। मैं मतलब मुझे नींद भी आ रही है और मुझे एडिटिंग भी करना है, और उठकर मुझे पूरा कमरा भी ठीक करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा कर चुकी है, मतलब जगह नहीं है रूम में। और मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया क्योंकि मुझे सच में टाइम नहीं मिला है। मैं जा रही हूँ मेकअप रिमूव करूँगी, लैपटॉप ऑन होता है तब तक मैं मेकअप रिमूव करके आऊँगी और तब एडिटिंग कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।